स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे लंच के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने इस नाश्ते को बनाने के लिए लिया है मूंग की छिलके वाली दाल, और इसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगोया था और दाल बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। तो इस दाल को डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इस दाल को मैं इसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने दाल ली है ये 1/2 कप के करीब है। यहाँ पर आप चाहें तो प्लेन वाली जो येलो वाली मूंग की दाल होती है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये छिलके वाली ली है। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब प्लेन ओट्स। तो यहाँ पर आप मसाले वाले ओट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्लेन ओट्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च और साथ में 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल लेंगे। और इसके साथ इसमें हम पानी डाल देंगे और इसका एक बैटर बना कर तैयार करेंगे। जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने इस दाल को और ये ओट्स को ग्राइंड कर लिया है, तो इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। बैटर को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। अब इसमें हम डाल लेते हैं नमक स्वाद के अनुसार। तो ये मैं नमक डाल देती हूँ इसमें और साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहें तो इसमें डालें, ना ही तो ना डालें, मिला देंगे इसे। और ये हमारा बैटर तैयार है, तो इसे अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा चढ़ा दिया है, गैस के फ्लेम को लो रखा हुआ है और जो हमने बैटर बनाया है वो इस तवे पे हम डाल देंगे। तो एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ये बैटर डालेंगे। तो 1 बड़ा स्पून भर के मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ और इसे इस तरीके से फैला देंगे, छोटा बड़ा जो भी आप चाहते हैं बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बिल्कुल डोसा नहीं बनाना है हमें इसका, बस इतना ही रखेंगे और इसे पकने देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप चाहें तो इसे बिना घी तेल के भी बना सकते हैं, ये और भी ज़्यादा हेल्दी होगा। तो यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारा ये नाश्ता एक तरफ से पक चुका है, तो इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे हम अच्छे से सेक कर तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने ओट्स और दाल के इस नाश्ते को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है, तो बस इतना ही इसे सेकना है और बाकी सारे भी बिल्कुल ऐसे ही बना के तैयार करेंगे। दूसरा डालने के लिए इसे हम एक बार अच्छे से पोंछ लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे। तो दोबारा से मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम को इस टाइम पर बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर हमें डालना है बैटर और हल्के हाथों से फैला देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ये नाश्ता तैयार है और बाकी बचे हुए बैटर से भी इसी तरीके से चीले बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ओट्स और मूंग दाल का ये चीला डोसा जो भी कह सकते हैं इसे बनके तैयार है। तो इस तरीके से आप ये जरूर ट्राई करें। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई भी मनपसंद डिप के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।